क्वेश्चन नंबर 11, प्रशांत लिमिटेड परचेज अ सेकेंड हैंड मशीन फॉर ₹40,000। तो प्रशांत परचेज कर रहा है, परचेज अ मशीन, और मशीन जो है वो है सेकेंड हैंड, सेकेंड हैंड मशीन, और जो मशीन की कीमत है वो है ₹40,000 की। और ये कब खरीदा जा रहा है, तो 1 अप्रैल 1998 में। दे स्पेंड 17,500 फॉर इट्स रिपेयर एंड इंस्टॉलेशन। तो रिपेयर एंड इंस्टॉलेशन में खर्च हुआ है ₹17,500। तो इसको हम प्लस कर देंगे और ये आ जाएगा ₹57,500, ये आ जाएगा कॉस्ट ऑफ मशीन। ठीक है, अब ये कैसे हो रहा है इस चीज को समझना। देखिए, अगर मान के चलो मैं अगर सेकेंड हैंड मशीन खरीदा हूँ ₹40,000 में, और सेकेंड हैंड होगा मतलब कि वो चल चुका है, कुछ ना कुछ उसको रिपेयर करवाना पड़ेगा मेरे को। तो मैं सेकेंड हैंड मशीन खरीद के लाया, उसमें कुछ रिपेयर में खर्च किया और उसको अपनी फैक्ट्री में इंस्टॉल करने में पैसा खर्च कर रहा हूँ। टोटल ₹17,500 खर्च हो रहा है। अगर मेरे से कोई पूछता है कि वो मशीन आपको कितना पड़ा, तो मैं बोलूँगा 57,500, ना कि ₹40,000 बोलूँगा, क्योंकि वो रनिंग कंडीशन में, मतलब कि मेरे को वो पूरा खर्च करने के बाद रनिंग कंडीशन में वो कब आया, इतने रुपए में, 57,500 में मेरे को वो पड़ा। ठीक है, इस वजह से हमको इसको क्या लेंगे, कॉस्ट ऑफ मशीन लेंगे। वैसे ही अगर मैं बात करूँ जैसे कि रियल लाइफ में होता है, जैसे कि हम टीवी खरीदे, टीवी मान के चलिए ₹50,000 का खरीद रहे हैं टीवी, और हमको इंस्टॉलेशन, इंस्टॉलेशन का जो खर्च आ रहा है वो ₹1,000 खर्च आ रहा है, घर पे आ रहा है और इंस्टॉल करके चले जा रहा है, और ₹1,000 इसका भी ले रहा है। अगर कोई हमसे पूछेगा कि वो टीवी आपको कितना पड़ा, तो हम बोलेंगे उसका 51,000। ठीक है, ना कि ₹50,000, क्योंकि हमको कितना देना पड़ा, ₹50,000 टीवी का और ₹1,000 इंस्टॉलेशन का, मतलब कि वो रनिंग कंडीशन में कब आया, कब वो जब सेटअप पूरा लगा के गया तब वो टीवी चालू हुआ, मतलब रनिंग कंडीशन में हमको ₹51,000 में मिल रहा है। इस वजह से कॉस्ट ऑफ टीवी जो होगा वो 51,000 होगा। इसी प्रकार जब मशीन खरीदा जाता है तो उसमें इंस्टॉल किया जाए, इंस्टॉलेशन जो चार्ज रहता है उसको कॉस्ट ऑफ मशीन में इंक्लूड किया जाता है। और यहाँ पर ये सेकेंड हैंड मशीन है, इसलिए इसमें रिपेयर भी करवाया गया है, रिपेयर के साथ साथ इंस्टॉलेशन हुआ है ₹17,500 का। तो हम कॉस्ट ऑफ मशीन बोलेंगे 57,500 का। ठीक, आगे देखते हैं। डेप्रिसिएशन इज रिटर्न ऑफ 10% पर एनम ऑन ओरिजिनल कॉस्ट, ओरिजिनल कॉस्ट। तो डेप्रिसिएशन जो लगेगा वो लगेगा 10% पर एनम और ओरिजिनल कॉस्ट से, ओरिजिनल कॉस्ट मेथड। तो देखिए, ओरिजिनल कॉस्ट मेथड बोले क्वेश्चन में, या फिर फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड बोले, या फिर स्ट्रेट लाइन मेथड, स्ट्रेट लाइन मेथड, अगर ये तीनों से में से कोई सा भी अगर दे रहा है, मतलब कि वो वही है, एक बार जो पहले साल डेप्रिसिएशन लगेगा वही हर साल लगते चलेगा। ठीक है, ओरिजिनल कॉस्ट मतलब जो ओरिजिनल कॉस्ट होगा उस पर जो एक बार डेप्रिसिएशन लगेगा, मतलब कि जैसे कि 57,500 का डेप्रिसिएशन 10% कितना होगा, 5750, मतलब 5,750 मान के चलो साल भर का डेप्रिसिएशन, तो यही चलता ही रहेगा। फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मतलब कि फिक्स्ड रहेगा यही, स्ट्रेट लाइन मतलब कि स्ट्रेट वही चलता रहेगा। ठीक है, तो नाम से भी आपको समझ आ जाना चाहिए कि ये किस तरीके से इसमें डेप्रिसिएशन निकाला जाएगा। आगे दिया हुआ है कि ये मशीन तो 1 अप्रैल को खरीदा गया था, ये 1 अप्रैल को खरीदा गया था। ठीक है, 1 अप्रैल, इसको थोड़ा सा मिटा देता हूं मैं। तो जो डेप्रिसिएशन है वो लग रहा है 10% पर एनम और ये फिक्स्ड ओरिजिनल कॉस्ट मेथड, ओरिजिनल कॉस्ट मेथड OCM। और उसके बाद आगे दिया हुआ है 30 जून 2001, ऑन 30 जून 2001, 30 जून 2001 मशीन वॉज फाउंड टू बी अनसुटेबल एंड सोल्ड फॉर 32,500। मतलब कि वो अनसुटेबल था, मतलब कि हो सकता है वो मशीन अब हमको नहीं जम रहा है, तो हम उसको 30 जून 2001 को उसको बेच दिए, और बेचे हैं कितने में, ₹32,500 में। खरीदे थे 57,500 में, उसको बेच दिए 30 जून को 32,500 में। और हमको यहाँ पर बनाना है मशीनरी अकाउंट, बनाना है 1998 से 2001। तो
1998 से 2001 तक का बनाना है, मतलब कि 1999 का भी बनाएंगे और 2000 का भी बनाएंगे और 2001 का, मतलब कि हमको यहाँ पर 4 साल का मशीनरी अकाउंट निकालना है। Assuming that account closed on 31st December, मतलब कि अकाउंट जो क्लोज होता है वो 31 दिसंबर को होता है, मतलब कि कैलेंडर ईयर में होता है, मतलब कि जनवरी टू दिसंबर। और आप देखेंगे तो ये मशीन जो खरीदा गया है, मशीन खरीदा गया है 1 अप्रैल 1998 में, ठीक 1998 में। चलिए बढ़िया, इसको अब बनाते हैं मशीनरी अकाउंट 4 साल का। तो यहाँ पर सबसे पहले ऊपर हेडिंग लिख लेंगे हम मशीनरी अकाउंट, ये हो जाएगा डेट, ये पर्टिकुलर, ये अमाउंट, फिर ये डेट, पर्टिकुलर, अमाउंट। डेट, पर्टिकुलर, अमाउंट, डेट, पर्टिकुलर, अमाउंट। यहाँ पर आएगा डेबिट और इस साइड आ जाएगा क्रेडिट। ऊपर में हम लिखेंगे मशीनरी अकाउंट। तो देखिए सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे हमारा जो बुक का जो वो है, क्या नाम से जो क्लोजिंग किया जाता है वो हमारा कैलेंडर ईयर में होता है, ठीक है। एज्यूमिंग दैट द अकाउंट आर क्लोज्ड ऑन 31 दिसंबर, मतलब जो अकाउंट है वो क्लोज होगा 31 दिसंबर को। इसका मतलब ये है कि हमको कैलेंडर ईयर में बनाना है जनवरी से दिसंबर। लेकिन ये देखिए जनवरी से दिसंबर मतलब ये अप्रैल में खरीदा है, मतलब जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल, मतलब 3 महीने बाद खरीदा गया है इसको। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 1 अप्रैल 1998 टू कैश। यहाँ पर मशीन की कीमत जो रहेगी वो रहेगी 57,500 रुपीज़ और इस पर डेप्रिसिएशन लगेगा 31 दिसंबर 1998 में। हम यहाँ पर लिखेंगे बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट। अब बात को आप समझना कि इसका जो डेप्रिसिएशन रहेगा 1998 में वो कितने महीने का रहेगा डेप्रिसिएशन। तो डेप्रिसिएशन 57,500 का 10% निकालेंगे और ये 10% जो निकलेगा उसको हम, वो पूरे साल भर का निकलेगा लेकिन हम उसको 9 महीने का निकालेंगे क्योंकि ये अप्रैल से खरीदा है। अप्रैल तो कब तक के इस्तेमाल किया है, तो अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, 9 महीने इस्तेमाल किया है, इस वजह से 9 महीने का डेप्रिसिएशन लगाया जाएगा। इसलिए लिखेंगे 57,500 into 9 divided by 12, ठीक है। तो इसका जो डेप्रिसिएशन हो रहा है, मतलब कि जैसे कि डेप्रिसिएशन की बात करें तो ये 57,750 रुपीस रहेगा, लेकिन 1998 में क्या हो जाएगा, ये 57,750 तो पूरे साल भर का है, इसको इंटू कर देंगे 9 divided by 12, क्योंकि 5,750 रुपये साल भर का है, ये 9 महीने इस्तेमाल हुआ है, तो 5,750 इंटू 9 divided by 12 ये हो रहा है 4,312.5, इतना आएगा। तो यहाँ पर ये डेप्रिसिएशन आ जाएगा 4,312.5। तो इसको हम माइनस करेंगे 57,500 माइनस 4,312.5, तो ये आ जाएगा बाय बैलेंस कैरिड डाउन 53,187.5। देखिए आप चाहो तो आप इसको, ये 0.5 है ना, इसको डायरेक्ट 6 भी कर सकते हो, ठीक है। तो मैं यहाँ पर 6 कर देता हूँ, वैसे बनाना चालू करता हूँ, क्योंकि अगर मैं 0.5 लिखूँगा तो मेरे को पूरे लाइन से पूरा 4 साल तक के 0.5 में करना रहेगा, और हम अगर 0.5 आ जाता है तो हम उसको 6 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। और मैं अपने जो कैलकुलेशन है इसको कैलकुलेटर से कर रहा हूँ ताकि जल्दी से ये क्वेश्चन हो जाए, आप ऐसा बिल्कुल मत कीजिएगा, आप मैनुअली कीजिएगा क्योंकि आपको एग्ज़ाम में कैलकुलेटर नहीं मिलेगा, ठीक है। तो इसको मैं ना 6 ले लेता हूं, इसको 6 ले लेता हूं, तो ये हो जाएगा 57,500 माइनस 4, सॉरी ये 6, ये सॉरी ये हो जाएगा 3 हो जाएगा, सॉरी
4313 हो जाएगा। 4312 रुपए आ रहा था, इसको हम अप्रॉक्स ले लिए हैं 4313 रुपए। तो 4313 रुपए, तो इसको माइनस करेंगे 57500 में, माइनस करेंगे 4313 रुपए, तो ये आएगा 53187। और दोनों साइड टोटल कर दिया जाएगा, ये आ जाएगा 57500, इधर भी आ जाएगा 57500। उसके बाद नेक्स्ट ईयर आते हैं, नेक्स्ट ईयर 1 जनवरी 1999, यहाँ पर हम लिखेंगे टू बैलेंस ब्रॉड डाउन, ये जो कैरिड डाउन था यही यहाँ पर ब्रॉड डाउन हो जाएगा 53187। उसके बाद इसका डेप्रिशिएशन लग जाएगा 31 दिसंबर 1999 में, हम यहाँ पर लिखेंगे बाई डेप्रिशिएशन अकाउंट। और डेप्रिशिएशन यहाँ पर कितना लगेगा, तो ये यहाँ पर पूरा साल भर का लगेगा, ठीक है, यहाँ पर 1 जनवरी से लेकर पूरा का पूरा 31 दिसंबर तक के इस्तेमाल किया जा रहा है। और साल भर का डेप्रिशिएशन कितना होगा, 5750 रुपये, तो यहाँ पर 5750। तो 53187 में हम माइनस करेंगे 5750, तो ये आ जाएगा 47437, यहाँ पर हम लिख देंगे बाई बैलेंस कैरीड डाउन, और ये टोटल हो जाएगा, इस साइड भी टोटल आ जाएगा 53187, यहाँ पर भी आ जाएगा 53187। उसके बाद ये जो डेट है सेम है, बैलेंस कैरीड डाउन का जो डेट है वो सेम है। उसके बाद ये जो कैरिड डाउन हुआ है 47437, वो फिर से यहाँ पर अगले साल ब्रॉड डाउन हो जाएगा 1 जनवरी 2000 में। देखिए ध्यान रखना, मशीन को वो कब बेच रहा है, 30 जून को बेच रहा है, ठीक है, 30 जून 2001, हम अभी 2000 का बना रहे हैं, मतलब अभी भी इसके पास मशीन है। फिर लिखेंगे टू बैलेंस ब्रॉड डाउन, और ये हो जाएगा 47437 और 31 दिसंबर 2000, यहाँ पर हम लिखेंगे बाई डेप्रिशिएशन अकाउंट, और यहाँ पर फिर से डेप्रिशिएशन लगेगा 5750 रुपये। क्यों, क्योंकि ये ओरिजिनल कॉस्ट मेथड है, पहले वाले में कम क्यों लगा, क्योंकि 9 महीने मशीन को इस्तेमाल किया था, बाकी में क्यों इतना लग रहा है, क्योंकि 57500 रुपीज़ मशीन का कीमत था, उसका 10% इतना होता है, हर साल उतना ही लगेगा ओरिजिनल कॉस्ट मेथड से। यहाँ पर इसी डेट में बाई बैलेंस कैरीड डाउन, तो 43437 में माइनस कर देंगे 5750, तो ये आ जाएगा 41687, 41687 आ गया इसका बैलेंस, ये आ जाएगा टोटल 47437। अब आते हैं नेक्स्ट ईयर 1 जनवरी 2001, यहाँ पर मशीन को बेचना है, तो टू बैलेंस ब्रॉड डाउन, मशीन को ब्रॉड डाउन किए कितना, 41687, मतलब कि 1 जनवरी 2001 में मशीन की कीमत कितनी है, 41687 है। अब देखना, यहाँ पर मशीन को बेचा कब जा रहा है, 30 जून को बेचा जा रहा है, जब बेचेंगे, देखिए जब हम मशीन खरीदते हैं तो डेबिट साइड में आ जाता है टू कैश, और वही जब मशीन बेचेंगे तो हम वहां पर लिख देंगे बाई कैश, ठीक है, इस साइड आ जाएगा। तो बेचे कब हैं, तो 30 जून को बेचे हैं, 30 जून 2001, तो यार 30 जून 2001 तक के बेचे हैं, मतलब कि जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून, मतलब 6 महीने इस्तेमाल करने के बाद बेचा गया है, इसका मतलब 6 महीने का डेप्रिशिएशन और लगेगा, इसलिए हम यहां पर लिखेंगे बाई डेप्रिशिएशन, और डेप्रिशिएशन अकाउंट है यहां ब्रैकेट में लिख देंगे 6 मंथ, और ये वाला जो था यहां पर आप लिख देना 9 मंथ, बाकी तो पूरा साल भर का है इसलिए कुछ नहीं कर रहे हैं। तो जो 57,550 साल भर का डेप्रिशिएशन होता है, और डिवाइड कर देंगे 2 से, तो 6 महीने का डेप्रिशिएशन आ जाएगा 2875, ठीक है, 2875 जो है वो 6 मंथ का डेप्रिशिएशन लगा है। अब इसको बेचे हैं, इसी तारीख को बेचे हैं, इस वजह से हम लिख देंगे यहाँ पर बाई कैश, और ब्रैकेट में लिख देंगे सेल। अब कितने में बेचा गया है, तो आप देखोगे यहाँ पर
यहाँ पर लिखा हुआ है 32,500 रुपए में बेच दिया गया, क्योंकि वो अनसुटेबल था, हमको वो सही नहीं लग रहा था वो मशीन, इस वजह से हम उस मशीन को बेच दिए, तो 32,500 रुपीज़ में बेच दिया गया। अब आप बात को समझना, यहाँ पर प्रॉफिट है कि लॉस है ये देखना है। तो देखिए समझना, मशीन कितने का था यहाँ पर देखना, 1 जनवरी 2001 को मशीन का कीमत था 41,687 और यहाँ पर डेप्रीशिएशन लगा, डेप्रीशिएशन कितना लगा, 6 महीने का लगा, 6 महीना और इस्तेमाल किया गया उस मशीन को, तो यहाँ पर कितना डेप्रीशिएशन लगा, 2875 और डेप्रीशिएशन लगा, मतलब 41,687 में अगर माइनस करें 2875 तो ये आ रहा है 38,812। ये हमारे बुक में ये मशीन की कीमत कितनी है, हमारे बुक में मतलब हम ये जो बुक बना रहे हैं इसमें 1 जनवरी को तो 41,687 मशीन की कीमत थी, 6 महीना और इस्तेमाल हुआ तो 2875 और कम हो गया, 41,687 1 जनवरी में था, डेप्रिसिएशन 6 महीने का लगा, तो 30 जून को उसकी कीमत हो गई 38,812। अब वो मशीन को कितने में बेच दिया जा रहा है, तो यहाँ पर लिखा हुआ है 32,500 रुपये में उस मशीन को बेच दिया जा रहा है, तो कॉस्ट इतनी है और इसको सेल कर दिया जा रहा है 32,500 रुपये में, 32,500 रुपीज़ में बेच दिया जा रहा है, 38,812 का मशीन है और उसको बेचा जा रहा है 32,500 रुपये में, मतलब कि 6,312 रुपीज़ का लॉस हो रहा है, लॉस हो रहा है ना, उसकी बुक वैल्यू कितनी है 38,812 है, लेकिन उसको बेचा जा रहा है 32,500 रुपए में, तो ये लॉस हो रहा है, ठीक है, तो लॉस हो रहा है। तो जब भी लॉस होगा, अगर हम कोई एसेट्स को मतलब कि कोई मशीन को अगर हम बेचेंगे सेल करेंगे, तो जब बेचते हैं तो पैसा आएगा, तो बाई कैश यहाँ पर लिखेंगे और ब्रैकेट में सेल लिख देंगे, लेकिन अगर प्रॉफिट होता है तो उसको यहाँ पर लिखेंगे टू प्रॉफिट एंड लॉस, ब्रैकेट में प्रॉफिट करके, और अगर लॉस होता है तो हम इसको वही क्रेडिट साइड ही लिख देंगे, तो यहाँ पर हम लिखेंगे बाई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और ब्रैकेट में लिख देंगे लॉस, और कितने रुपए का लॉस हो रहा है, तो 6312, और यहाँ पर ये बुक क्लोज हो जाएगा, तो 41,687 यहाँ पर भी टोटल आ जाएगा 41,687। देखिए आगे यहाँ पर आगे नेक्स्ट ईयर में क्यों कुछ नहीं लिखेंगे, क्योंकि अब मशीन तो बेच दिए, अब हमारे पास कोई भी मशीन नहीं बचा हुआ है, तो आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और आप अच्छे से इसको फिर से बनाने की प्रैक्टिस कीजिएगा, क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो फिर से आपको बता दे रहा हूँ कि अगर प्रॉफिट होगा तो आप उसको डेबिट साइड लिखोगे टू प्रॉफिट एंड लॉस और ब्रैकेट में प्रॉफिट करके, लेकिन अगर लॉस हो रहा है तो आप उसको क्रेडिट साइड लिखेंगे बाय प्रॉफिट एंड लॉस, लॉस ऐसा करके। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन में जो मशीन को बेचा गया उस पर लॉस हो रहा था। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, तब तक के लिए थैंक यू।